तस्वीरों में दिखाई दे रही ये महिला कोई और नहीं बल्कि इसी प्रदेश की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा है, जो इन दिनों कोरोना और ब्लैक फंगस से जंग लड़ रही हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि प्रदेश की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के लिए भी आजकल स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा है। ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए जिस एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की जरूरत है, वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। उनके बेटे राजन वर्मा का कहना है कि उन्हें पार्टी की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, न ही अधिकारी ही इंजेक्शन उपलब्ध करवाने में कोई मदद कर रहे हैं, जिससे उनकी मां की हालत लगातार बिगड़ रही है। आज थोड़ी परिस्थितियां शायद ठीक नहीं है हमारे लिए, तो आज जूझ रहे हैं हम उनके इलाज के लिए। मदद नहीं, कोई फोन नहीं, कोई। हाँ, एक दो जो मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, MLA भी हैं या अधिकारी पदों पर भी हैं, वो बेचारे पूरी मेहनत से आज भी इंजेक्शन के लिए पूरे जोर से लगे हुए हैं। मुझे सांत्वना भी देते रहते हैं कि राजन जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, हम पूरी कोशिश में हैं। लेकिन उनकी कोशिश का मैं पूरा सराहना करता हूँ, नमन करता हूँ, एहसान मंद हूँ उनका मैं। लेकिन समय बीत रहा है, उससे फंगस और ना बढ़ जाए, इस चिंता में सारा परिवार डूबा हुआ है। मेरे भी शारीरिक मानसिक रूप से तो बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ हूँ इस समय, क्योंकि माँ है मेरी, और हमें सिर्फ यही है कि ईश्वर क्यों ऐसा कर रहा है। उन्होंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, सबके साथ पूरे प्यार से, ईमानदारी से, पार्टी के साथ सत्ता में रहते हुए शहर में लोगों ने इतना प्यार दिया, फिर भी वो ऐसा क्यों कष्ट भोग रहे हैं, ये ईश्वर ही जानता है, ईश्वर की इच्छा है। हालात ये हैं कि अपनी ही पार्टी की सरकार में एक पूर्व मंत्री इंजेक्शन के लिए तरस रही हैं। ये वही कमला वर्मा हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन जिम्मा संभाला था, जब कोई इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इतने साल पार्टी की सेवा की, सरकार में मंत्री भी रही, लेकिन फिर भी उनका परिवार मदद के लिए गुहार लगाने को मजबूर है। उनका बेसिकली हार्ट का और थोड़ा सी पेपनिया का ट्रीटमेंट रहा है, हार्ट का मेनली ट्रीटमेंट रहा है। पहले वो पारस हॉस्पिटल पंचकुला से ट्रीटमेंट लेते रहे हैं, और लास्ट ईयर 2020 में वो संपर्क में आए, तब से उनका फॉलोअप मेरे पास ही चल रहा था। और उनका थोड़ा सा कार्डियक इशू रहा, मेडिकेशन थोड़ी ज़्यादा थी उनकी, वो हमने कम की थी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य उस टाइम पे ठीक ठाक था, कोई ऐसी एक्यूट कंप्लेंट्स नहीं थी, कोई एक्टिव कंप्लेंट्स नहीं थी, और दवाइयाँ चलते चलते उनका जो स्वास्थ्य था लगभग अभी तक ठीक चल रहा था, जब तक वो हार्ट के लिए मेरे पास फॉलोअप ले रहे थे। उनका मुझे पता चला है कि उनको एडमिशन है, उनका कोविड सेंटर में एडमिट है, और उनका जो म्यूकोर माइकोसिस जिसको ब्लैक फंगस कहा जाता है, वो टेस्ट भी हुआ है और वो खबर मिली है कि पॉजिटिव आया है। अदरवाइज सिचुएशन तो जो मेरी वहाँ पे बात हुई है कि ठीक ठाक है, बहुत स्टेबल भी नहीं है और बहुत सिक भी नहीं है। एग्जैक्ट आपको हॉस्पिटल में जब वहाँ पे मिल जाएगी सिचुएशन, करंट सिचुएशन। जानकारी के मुताबिक 5 मई को कमला वर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनका इलाज राजपुरा एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में चला, जहां आराम न मिलने के बाद यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसमें जब ब्लैक फंगस के लक्षण देखे तो चेकअप हुआ और रिपोर्ट तब भी पॉजिटिव आई, लेकिन उसके बाद से जितने एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की जरूरत है उन्हें अब तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि विभाग ने जल्द ही इंजेक्शन देने की बात कही है। हमारे पास एडमिट हुए थे, ये इनको COVID-19 है, हुआ है, RT-PCR रिपोर्ट में आया था कि COVID-19 पॉजिटिव है। हमने पहले इनको एंटीवायरल ट्रीटमेंट, रेमडेसिविर और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी, उनसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई, स्टेरॉइड्स दिए इनको, सारे ट्रीटमेंट से काफ़ी रिस्पॉन्ड करे थे। सेचुरेशन जो ये अराउंड 60-65 थी इनिशियली, वो 90-95 तक भी पहुँच गई थी। उसके बाद ऑक्सीजन देने के बाद और एंटी फंगल कुछ ट्रीटमेंट हमने दिए, तो ये परसिस्टेंट हेडेक बता रही थी कि मेरे को सिर दर्द रहता है। फिर हमने इनका एक सैंपल भिजवाया इसके लिए, म्यूकोर माइकोसिस के लिए, जिसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, तो स्पूटम सैंपल हमने भिजवाया था, तो वो उसमें पॉजिटिव आया, उसमें फंगस की ग्रोथ आई है। तो उसके लिए हमने CMO साहब को और जो भी अथॉरिटीज हैं पंचकुला में, उन सबको नोटिफाई कर दिया है कि हमारे यहाँ केस रिपोर्ट हुआ है ब्लैक फंगस का, और उसके लिए जो इंजेक्शन लगता है एम्फोटेरेसिन बी, उसकी रिक्विजिशन हमने भेज दी है,
उसके लिए नोटिफाई कर दिया है, वो हरियाणा गवर्नमेंट उसको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवाने के लिए पूरी कोशिशें कर रही है। पूर्व मंत्री कमला वर्मा के बेटे ने सभी संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, मगर किसी ने उनका फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। कमल वर्मा के बेटे राजन वर्मा की भी तबीयत खराब है, ऐसे में सरकार द्वारा कोई सुधना लेना परिवार के लिए पीड़ा का सबब बनी हुई है। बहरहाल मीडिया में मामला आने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जरूर आश्वासन दिया है कि कमला वर्मा को बेहतर इलाज मिलेगा और उन्होंने इसके लिए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बात कर ली है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी और यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।